हेलो फ्रेंड्स, 29x31 feet हाउस प्लान रिव्यू शेयर करने वाला हूँ विथ पूजा रूम के साथ, 3 बेडरूम। तो इस तरफ जो है 29 feet और जो लेंथ है 31 feet। नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान, इस तरफ नॉर्थ साइड है एंट्री, इस तरफ एंट्री है नॉर्थ साउथ इस तरफ, और इस तरफ वेस्ट साइड है, और इस तरफ ईस्ट साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे वास्तु के ऊपर प्लान का डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो प्लान है 29 feet by 31 feet इक्वल टू आएगा 899, मैं अप्रोक्स इसको 900 स्क्वायर फीट पकड़ रहा हूँ। 3 BHK हाउस प्लान, 3 बेडरूम है, टॉयलेट है, पूजा रूम है, स्टेयर रूम भी दिया गया है। तो क्या क्या मिलेगा, डिटेल्स क्या है, इसको टोटल रिव्यू करेंगे। तो यहीं पे जो कॉर्नर है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहीं पे है, यहीं पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये दिशा वाइज क्या क्या रहना है बिल्डिंग के अंदर वो मैंने आपको बताएंगे। टोटल वास्तु के ऊपर ध्यान दिया गया है। यहीं पे वॉल ड्रा कर लेते हैं। यहीं पे जो वॉल है आउटसाइड का 9 इंच का वॉल पॉइंट किया गया, और इनसाइड में 5 इंच का वॉल यहीं पे पॉइंट किया गया है। तो वहीं पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ, वॉल को कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे विंडो छोड़ना है, यहीं पे बेडरूम है, इस तरफ को विंडो मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक स्टेयर है इस तरफ आएगा, तो देखते रहिए वीडियो को इन तक। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरफ का वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। एक सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट था, तो उसके ऊपर मैंने यहीं पे डिज़ाइन बनाया। अगर आपका इस तरफ का बिल्डिंग प्लान चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम जितना जल्दी हो सके यहीं पे अपलोड हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे ड्रा कर लिया टोटली, और इस तरफ विंडो छोड़ दिया। तो विंडो का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, विंडो का यहीं पे विंडो है, ये किचन का विंडो, ये बेडरूम का विंडो मिलेगा, वेंटिलेशन होगा टॉयलेट का, वहीं पे स्टेयर रूम का विंडो है। तो एंट्री करते हैं इस तरफ से, स्टेयर का आप इस तरफ से है ऐसा घूम के इस तरफ से फर्स्ट फ्लोर में आना है। स्टेयर का वही 3 फीट करके, इस तरफ भी 3 फीट करके है, चारों तरफ भी 3 फीट करके ही रहेगा स्टेयर। लैंडिंग भी 3 फीट by 3 फीट है। तो यहीं पे 4 फीट का मेन डोर है, यहाँ पे मेन डोर है, और यहीं पे नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम रखना चाहिए। तो मैंने यहीं पे पूजा रूम को प्लेस कर दिया, गॉड रूम। तो गॉड रूम रख दिया,
और यहीं पे आप डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने यहीं पे फ़िलहाल ओपन रख दे रहा हूँ, अगर आपका सेपरेट करना है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टाउन फ्लोर जो भी है, तो यहीं पे आप डोर सेट कर दीजिए और पूजा रूम को इस तरफ गेट प्रोवाइड कर दीजिए। और यहीं पे देखिए, यहीं पे भी एक बेडरूम है, यहीं पे भी बहुत बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट में। और यहीं पे टॉयलेट प्रोवाइड किया गया वेस्ट साइड में, कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया। और साउथ वेस्ट में यहीं पे मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया। तो देखिए, वास्तु के ऊपर जिधर जो रहना चाहिए वहीं पे प्रोवाइड कर दिया। यहीं पे भी बेडरूम है, यहीं पे गेस्ट बेडरूम या स्टडी रूम बना सकते हैं। और साउथ ईस्ट में अग्नि दिशा है, तो यहीं पे किचन प्रोवाइड करना है, यहीं पे किचन प्रोवाइड करना है, तो वहीं पे प्रोवाइड कर दिया। और ये एरिया को यहीं पे ड्राइंग ड्राइंग एरिया से डिवाइड कर दीजिए। और यहीं पे लिविंग और डाइनिंग हॉल का इस तरफ से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका जो मेज़रमेंट है देख लेते हैं। यहीं पे स्टेयर रूम का इधर से इतना दूर तक आपको मिल जाएगा 11 फीट, और इस तरफ 8 फीट 7 इंच मिलेगा। तो 11 फीट बाई 8 फीट 7 इंच के जगह के अंदर आपको स्टेयर रूम रेडी हो जाएगा। और पूजा रूम का साइज 5 फीट 8 इंच बाई इस तरफ 8 फीट 7 इंच रखा है गॉट रूम का साइज। और यहीं पे जो बेडरूम है, बेडरूम का साइज 10 फीट इस तरफ मिल जाएगा और 12 फीट इस तरफ मिल जाएगा। टॉयलेट 4 फीट 5 इंच बाई 6 फीट 7 इंच इसका लेंथ है। और मास्टर बेडरूम का साइज इस तरफ 10 फीट और इस तरफ 12 फीट 3 इंचेस लेंथ है। और ये बेडरूम का 10 इंच बाई 10 इंच है। इसका गेस्ट रूम या तो स्टडी रूम इसको बना सकते हैं। और किचन का साइज 6 फीट 8 इंच बाई लेंथ जो है 10 फीट प्रोवाइड किया। और ये किचन का प्लेटफॉर्म रखा है। और ये हॉल का साइज इधर से इतना दूर तक मिल जाएगा 10 फीट 1 इंच और लेंथ जो है इस तरफ को मिलेगा 17 फीट 1 इंच इस तरफ आपको मेजरमेंट इस तरफ का मिलेगा। तो यहीं पे कॉलम जो है प्रोवाइड करना है, कॉलम यहीं पे इस तरफ प्रोवाइड करना है। देखिए, ऐसा प्लेस करना है कॉलम को। ये कॉलम को आप यहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो नंबर ऑफ कॉलम 16, साइज 9 इंच बाई 9 इंच प्रोवाइड करना है। और यहीं पे जो बिल्डिंग कॉस्ट यहीं पे 10 लाख आ जाएगा। बिल्डिंग कॉस्ट यहीं पे 10 टू 11
लेक्स खर्च आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर में टोटल फिनिशिंग कंप्लीट के साथ। तो देख लीजिए प्लान को, रिव्यू कर लीजिए। अगर आपका इस तरफ का प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।